हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि अभी इंदौर का, कलीकत का, विजाग का बहुत सारे स्टेशन्स हैं जिसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर और असिस्टेंट सिक्योरिटी के कुछ इंटरव्यू की लिस्ट आई है और कुछ के रिजल्ट आए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, इसका जो स्टेशन जो मैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, इसका इंटरव्यू दिसंबर में हुआ था और अब इस मंथ मार्च में इसका रिज़ल्ट आया है। मतलब कई मंथ बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट आया, जो कि इसके इंटरव्यू हो चुके थे 6 दिसंबर को ही, लेकिन इसका रिज़ल्ट अब आया और कितने मिनिमम स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू पास किया है। बाकी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी डिटेल्स मिल जाएंगे कि इंटरव्यू कैसे हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस कैसा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे क्या क्या एक्सेप्टेंस लेटर जो आपका मेल पे इंटरव्यू पास करने के बाद एक्सपेक्टेंस जो एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा है उसको कैसे क्या क्या कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बाकी मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले इसका आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, फिर इसकी मेरिट लिस्ट आ गई, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद उनका फिर से एक लिस्ट आता है जिसमें वो इंटरव्यू पास किए हुए स्टूडेंट्स का नाम होता है जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया होता है, फिर उसके आगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी टेक प्लेस करता है प्रोसेस, और फिर उन्हें एक्सेप्टेंस लेटर भी एक उनके मेल पे आता है जिसको आप बोल सकते हो ऑफ़र लेटर। अच्छा, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो स्टेशन है जिसकी लिस्ट आई है उसमें देखिए कितने एस्पिरेंट्स पास हुए हैं। ये चेन्नई का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 एस्पिरेंट्स का ही सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग स्टेशन्स में लिस्ट आती है तो 200 अप्रॉक्सीमेटली बच्चे, 265 बच्चे, 268 बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 268, 312, 302 ऐसे करके बच्चे रहते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट जो इंटरव्यू में हो रहे हैं उनका बहुत कम नाम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो, वैसे इंटरव्यू बहुत टफ नहीं हो रहा, नॉर्मल बेसिक नाम पता, फिर कौन से स्टेशन के लिए अप्लाई किया है, मेल, फ़ोन नंबर, बाकी आप कहाँ पे रहते हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के ये सब पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर सिर्फ 20 एस्पिरेंट्स है जिनका चेन्नई स्टेशन के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब इसके आगे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें प्रोसेस करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो भी SLS की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, डिटेल आ रही है, ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, मेल आ रहा है, मतलब आपके मेल पर ही हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप लोग अपना मेल ज़रूर चेक करते रहे, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अपना मेल टाइमली चेक करते रहो अगर आपने ये फॉर्म फिल किया, क्योंकि अगर आपने मेल नहीं चेक किया तो हो सकता है कि आपके यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी आप लोग अपना टाइमली मेल ज़रूर चेक करते रहो, क्योंकि इसका कोई भी अपडेट है वो आपके मेल पर ही आएगा। आप शॉर्ट लिस्ट हो तो सारी डिटेल्स आपको अपने मेल पर ही मिल जाएंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।